नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि नोकिया कंपनी किंग ऑफ मोबाइल्स कैसे क्वीन बन गया और क्वीन भी नहीं रहा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि नोकिया कंपनी एक समय पर नाम से ही बिकता था। नोकिया नोकिया नोकिया, पूरे भारत में सिर्फ नोकिया छाया हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ कि नोकिया कंपनी के एल लग गए? तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और इस कारण को हम जानते हैं। तो दोस्तों, नोकिया कंपनी के साथ हुआ ऐसा, जब दो कंपनी आपस में डिवाइड हो रही थी, एक थी विंडोज सॉफ्टवेयर, एक था एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर। तो नोकिया उस समय बहुत बड़ा था, पूरे भारत में सिर्फ नोकिया था। तो नोकिया को जब पोर्टल मिला कि हम विंडोज के पास जाए या एंड्रॉयड के पास जाए, तो एंड्रॉयड उस समय छोटा था। तो नोकिया कंपनी ने सोचा कि छोटे में हम नहीं जाएंगे, हम बड़े हैं तो हम बड़े में रहेंगे। तो वो विंडोज के पास गया, विंडोज के पास गया और सारी की सारी जितनी कंपनी, सारी की सारी एंड्रॉयड में चली गई। तो नोकिया कंपनी को लगा कि विंडोज में हम रहेंगे, हमें अक्सर यूनिक रहना चाहिए। तो हुआ ऐसा, जब मार्केट में नोकिया का फोन आया, नोकिया लूमिया कोई सा भी हो, तो उसको लोगों ने पसंद नहीं किया, लोगों को उसका फ्यूचर समझ नहीं आया, लोग उसे चला नहीं पाए, उसे मज़ा नहीं आया। जो एंड्रॉयड था वो एकदम सिंपल, एकदम बढ़िया, एकदम अलग ही स्मूथ चलता था। तो धीरे 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 एंड्रॉयड जो था, धीरे धीरे मार्केट में अपना कब्जा कर लिया। नोकिया को बाहर निकाल के फेंक दिया, नोकिया का नामो निशान नहीं छोड़ा। जो नोकिया एक समय पर सिर्फ नोकिया ही था लोगों के मन में, मुंह पर, वो नोकिया गायब हो गया। तो इसके पीछे यही कारण है कि नोकिया ने गलती ये की, नोकिया ने एंड्रॉयड को नहीं चुना, विंडोज को चुना, इसलिए नोकिया फेल हो गया और एंड्रॉयड ने पूरे मार्केट में कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो आपको जो मिलती रहे। धन्यवाद।